नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप फिंगरप्रिंट के द्वारा EKYC से आप कस्टमर का पैन कार्ड कैसे बनाइएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और कुछ कंप्यूटर का सेटिंग्स होता है जो कि फिंगर डिवाइस बहुत रिटेलर का नहीं पकड़ रहा है, तो वो सेटिंग्स आप ऑन ऑफ ऑन कर लीजिएगा अपना सिस्टम में, तो आपका फिंगर डिवाइस भी इजीली काम करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम कंप्यूटर या लैपटॉप में सर्च बार में nsdlkycpen.com सर्च कर लेते हैं। आप भी अपने सिस्टम या लैपटॉप में nsdlkycpen.com सर्च कीजिएगा तो आपको वेबसाइट खुल जाएगा। और ये रहा सुंदर डैशबोर्ड। इस वेबसाइट में आप विजिट करके आप अपना रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट कर सकते हैं और हमसे जुड़ के आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं, अर्निंग ले सकते हैं। तो ये सुंदर डैशबोर्ड रहा, आप इसमें विजिट कर सकते हैं और लॉगिन पे लॉगिन क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप न्यू रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर क्लिक बना सकते हैं। देन यहाँ पे आपको आधार OTP के द्वारा भी आप कस्टमर का पैन कार्ड बना सकते हैं और फिंगर डिवाइस के द्वारा भी प्रिंट लेके कस्टमर का पैन कार्ड आप इजीली बना सकते हैं। ये पैन कार्ड आपको मेल में 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर आ जाता है और फिजिकली पैन कार्ड 10 से 15 दिन में कस्टमर के एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो ये रिटेलर का शेड्यूल है, ये डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, ये 4 मॉड्यूल है। आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनके रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बनके रिटेलर क्रिएट कर सकते हैं। ये कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है, मेल आईडी और एड्रेस। देन आप व्हाट्सएप करके कॉल करके आप अपना आईडी क्रिएट करवा सकते हैं और हमसे जुड़ के आप काम कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर डैशबोर्ड है। आज हम आपको लॉगिन करके दिखाएंगे अपने सिस्टम में कि आप किस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी रिटेलर आईडी क्रिएट करके आप अपने सिस्टम में लॉगिन करके आप कस्टमर को ये सुविधा दे सकते हैं पेपरलेस पैन कार्ड का। देन हम नाम डाल लिए, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम डालेंगे, इसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे। ये रिटेलर आईडी क्रिएट करने का फॉर्म है। यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पे अपना मेल आईडी टाइप करेंगे। देन हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद शॉप नेम या कंपनी नेम, यानी शॉप नेम अपना दुकान का नाम डालना है, यहाँ पर दुकान का नाम टाइप कर लेंगे। देन इसके बाद हम आधार कार्ड नंबर टाइप कर लेंगे और पैन कार्ड नंबर टाइप करने के बाद अपना मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे कि हमको रिटेलर बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इजीली आप इसको फिल करके अपना रिटेलर आईडी क्रिएट करवा सकते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। देन अभी हमको रिटेलर क्रिएट करना है तो हम रिटेलर पे क्लिक करते हैं और रिटेलर का रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपये है। ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और अपना पासवर्ड यहाँ पे बनाना है, आप कौन सा पासवर्ड रखना चाहते हैं। पासवर्ड क्लिक करके पे नाउ पे, पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। देन आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपना कन्फर्म पासवर्ड डालिएगा, फिर कन्फर्म पासवर्ड डालिएगा और आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और ईजिली आप अपना रिटेलर आई डी को लॉगिन कर सकते हैं लॉगिन पर जाके। और अगर इससे भी कोई दिक्कत आता है आप तो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना रिटेलर आईडी क्रिएट करवा के अपना काम कर सकते हैं। इसमें अच्छा खासा आपको अर्निंग हो जाएगा, आपको कमीशन बेस भी अच्छा है और सपोर्टिंग सिस्टम भी आपको अच्छा मिलेगा, अब हमसे जुड़ के काम कर सकते हैं। तो देन मेरा रिटेलर आईडी क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद हम यूज़र आईडी, यानी अपना मोबाइल नंबर ही यूज़र आईडी होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, जो पासवर्ड हमने क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड डाल के रिटेलर आईडी को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके देखेंगे कि कितना सुंदर डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। देन लॉगिन पे प्रेस करते हैं। लॉगिन पे प्रेस करने के बाद आपका रिटेलर आईडी क्रिएट होके लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे आपको इस तरह से फिल किया हुआ मिलेगा। देन आपको यहाँ पे पेमेंट में QR पेमेंट सेलेक्ट करना है। बहुत सारे रिटेल को दिक्कत होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करते हैं और नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपये लग रहा है, तो QR पेमेंट को सेलेक्ट करके पेमेंट मोड पे क्लिक करेंगे हम और देन QR कोड आ जाएगा। आप उसको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने आईडी को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो देन हम आपको लाइव दिखाते हैं कि QR कोड आपका खुल रहा है और इसको हम स्कैन करेंगे अपने फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम है आपके पास जो भी, उसे स्कैन करके आप पेमेंट करके रिटेलर आईडी का रजिस्ट्रेशन फी दे के आप रिटेलर आईडी
एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो देन ये नॉर्मल प्रोसेस है और आप इस आईडी को एक्टिवेट करके इजीली ई केवाईसी के द्वारा पैन कार्ड बना सकते हैं, पेपरलेस पैन कार्ड बना सकते हैं। देन हम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसेस दिखाते हैं। तो मेरा पेमेंट एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद आपको सक्सेसफुल पेमेंट का मैसेज दिख जाएगा। ये अकाउंट सक्सेसफुल पेमेंट का आपको मैसेज दिखा, यहाँ पे ओके पर क्लिक कर लेना है और आपका रिटेलर आईडी लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से रिटेलर आईडी आपका क्रिएट हो गया और सफलतापूर्वक लॉगिन हो गया, जिसमें आपको बहुत सुंदर डैशबोर्ड है। इसमें आपको एड बैलेंस का ऑप्शन आ जाता है, एड मनी, यहाँ से बैलेंस दे सकते हैं, यहाँ से एड मनी कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टेंट पैन कार्ड बना सकते हैं आप, पेपरलेस पैन कार्ड। देन ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे पैन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं आप कि पेंडिंग है, रिजेक्ट है या प्रोसेसिंग में है, वहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हम रिटेलर आईडी का फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिटेलर आईडी क्रिएट करने और लॉगिन करने में। देन आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे टीम के द्वारा आप रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनवा के आप अर्निंग कर सकते हैं और अच्छा खासा कमीशन ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे डेक्स एड मनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं अपने वॉलेट पे, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये आप ऐड करके अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, कुछ भी आपको प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है और एक्स्ट्रा। यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं अपना क्यूआर कोड के द्वारा और आपको एक पैन कार्ड का 107 रुपये यहाँ पे डिडक्ट होगा आपका वॉलेट से, और आप चाहें तो 110 रुपये भी ऐड करके अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पे इंस्टेंट पैन कार्ड पे क्लिक कीजिएगा और अभी मेरे वॉलेट पे बैलेंस नहीं है जो दिखा रहा है कि इनसफिशियंट बैलेंस। देन यहाँ पे बैलेंस रहेगा और आप NSDL सर्विस को एक्टिवेट करके आप पैन कार्ड बना सकते हैं इंस्टेंटली कस्टमर का, यहाँ से भी आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत फास्ट और सुंदर डैशबोर्ड है जो कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है अपने सिस्टम, लैपटॉप या मोबाइल से। यहाँ पे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, पैन कार्ड स्टेटस देख सकते हैं, ई पैन कार्ड हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ पे वॉलेट पे ही जाके आप एड मनी कर सकते हैं, बैलेंस वॉलेट हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपका पैसा कितना डिडक्ट हुआ नहीं हुआ। और कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आप पैन कार्ड बनाने के दरमियान फेल हो जाता है तो आपको 24 से 48 घंटे में आपके वॉलेट पे ऑटो क्रेडिट हो जाएगा बैलेंस, उसके लिए भी आप निश्चित रहें। आपको सेटिंग बता देते हैं हम कि वहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ सेटिंग पे जाइएगा। और कुछ रिटेलर का दिक्कत होता है कि फिंगर डिवाइस काम नहीं करता, इसको आप सेटिंग कर लीजिए, यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है। देन यहाँ पे नीचे में आपको साइट सेटिंग मिलेगा और यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करके पेज को नीचे करना है और वो टॉपअप ऑन कर देना है, अलाउ कर देना है। यहाँ पॉपअप लिखा हुआ है, यहाँ पे अलाउ पे आपको टिक रहना चाहिए, इससे आपका बहुत रिटेलर का नीचे में क्लिक रहता है डोंट अलाउ और टॉपअप नहीं खुलने के कारण पैन कार्ड फेल हो जाता है, नहीं बन पाता है। यहाँ पे आपको चेक कर लेना, यहाँ भी अलाउ आपका रहना चाहिए सिस्टम में। तो ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है आपको पैन कार्ड अगर बनाते हैं तो, ये आपको चेक करके सेटिंग को अलाउ कर लेना है और आपको पैन कार्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर का डिवाइस नहीं, फिंगर डिवाइस नहीं चलता है। तो ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है, आप कर लीजिए। और यहाँ पे आप क्लिक करके अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो देन हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिए, अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय।